नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं बीबीएम न्यूज। स्वागत है आपका एनसीआर टाइम्स में। रुक करेंगे फरीदाबाद और पलवल की तमाम खबरों की। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में बारिश के कारण हुई जलभराव में फंसी गाड़ियों को होमगार्ड के जवान की सहायता से निकाला गया। हालांकि इस जलभराव में कार, ऑटो, रिक्शा, टू व्हीलर बंद हो गए और लोग अपनी गाड़ियों को खींचते हुए नजर आए। होमगार्ड के जवान के द्वारा जलभराव में फंसी कार, ऑटो, स्कूटी, रिक्शा का यह नजारा फरीदाबाद के सेक्टर 16 का है। इस इलाके के चारों तरफ पानी ही पानी है और पानी की ऊंचाई घुटनों से ऊपर तक है, जिसमें दर्जनों ऑटो, मोटरसाइकिल व कारें बंद हो गई। ऐसे में लोगों के लिए मुश्किलों का उत्पन्न होना लाजमी है। इन हालातों में एक होमगार्ड का जवान कृष्ण पानी में फंसे ऑटो और रिक्शा व कार चालकों को अकेला ही हेल्प करता हुआ नजर आया। सेक्टर 16 का इलाका काफी पॉश इलाका है। इस इलाके का विधायक हरियाणा सरकार में मंत्री है। क्या करें सर, काम तो करना ही, पब्लिक की सेवा तो करना ही, ड्यूटी ड्यूटी। इस पानी में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? पानी में दिक्कत आती है, कई बार तो पैर से चप्पल टूट जाती है और गाड़ियां बंद हो रही हैं, तो उन्हें निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, पानी भी ज़्यादा है, तो ऐसे में अकेले कैसे मैनेज कर पाते हो आप? अकेले नहीं, काफ़ी जवान लगे हुए हैं आगे तक भी। हाँ। काफ़ी आप देख ही रहे हैं क्या हाल है, ऑटो बंद होते जा रहे हैं, ऑटो को, रिक्शा और स्कूल के बच्चों को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम अस्पताल जा रहे हैं, 21 सेक्टर से निकले, एक घंटे तक पहुँच नहीं पा रहे अभी तक। अच्छा, तो पानी को देख के दुखी हैं या खुशी हैं? अरे बहुत ज्यादा दुखी हैं, पहले गाजियाबाद रहते थे, गाजियाबाद सही था, वहाँ से बाकी आ गई, यहाँ से भी बुरी हालत है। चलो चलो, साल यही परेशानी है, मतलब ये पहली परेशानी नहीं है कि पिछले 15-20 दिन से लाइट खराब, तो ये पहले तो इस चीज को जानते नहीं है और बाद में जो है जब पानी से सब ऊपर पहुँच जाता है फिर जो है ये खड़े होते हैं। थोड़ा सा जी इसके लिए थोड़ा प्रशासन को थोड़ा सख्त होना चाहिए।